नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। स्वागत कर रहा हूं अपने सभी साथियों का आज के इस विशेष सेशन में, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत से बनने वाले जो सवाल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और सवालों में भी आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो है, मेरे प्यारे साथियों, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पर जो सवाल बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो असल में हम प्रेसिडेंट खत्म कर चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री व्यवस्थाओं की हम बात करेंगे। पार्लियामेंट्री व्यवस्था मतलब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर डिफरेंट क्या है, कौन कौन सी समितियां हैं, कौन सा कार्य करती है, ये तमाम चीजें आज के डिस्कशन का प्रमुख बिंदु होने वाला है। तो स्वागत है अपने सभी साथियों का जो एकदम तैयार होकर के पढ़ लिख करके आए हैं, अपना नॉलेज चेक करेंगे और डेफिनेटली प्रश्नों के माध्यम से कुछ नया सीखेंगे। सेशन में शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। बात की जाए अगर मेरे क्लासेस की, तो कल से नया बैच शुरू होने जा रहा है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर करंट अफेयर्स का, जिसमें हम पॉलिटी का करंट डिस्कस करने वाले हैं, यानी इंडियन पॉलिटी जो करंट है वो चलने वाला है। तो आप में से जो भी साथी यूपीएससी को टारगेट कर रहा है, विशेष रूप से जून में होने वाले इस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है, तो आपका स्वागत है। आपको पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स यहां मिलने वाला है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो वहां पर भी फाउंडेशन बैच चल रहा है ऑलरेडी। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो पुरानी निकली हुई क्लासेस भी आपको सारी की सारी वहां पर प्राप्त होती हैं। क्लियर? आप और भी कोई सा भी अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर कोई सा भी गोल अनअकैडमी पर सेलेक्ट करते हैं, तो सभी पर आपको 10% डिस्काउंट इसकी वजह से प्राप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आपके सामने पहले सवाल की तरफ। हाँ जी, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बढ़िया, बहुत सारी खुश शुभकामनाएं। लवीश गर्ग, कॉन्फिडेंस आया है आप ही की वजह से पेपर अटेम्प्ट करने का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हाँ जी, और कोई शुरू करें, शेयर कर दीजिए। भाई कर दिया हमने शेयर, बिल्कुल जस्ट अभी शेयर किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कर दिया है हमने। आइए साथियों, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं, यानी कि उसे ही एक्सक्लूसिवली प्राप्त हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, पहले ही सवाल के अंदर बहुत सारी जानकारियां आपको लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस पहले ही सवाल में पूछ लिया गया है। क्या सवाल है? जिसमें कहा गया है कि कौन सी ऐसी पावर है जो एक्सक्लूसिवली, या फिर ये कहा जाए यूनिक टू दी लोकसभा इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है ना, यूनिक पावर टू दी लोकसभा। पहला, ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस या फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग से मतलब शक्तियां रखती है। इन रिलेशन टू दी अपील और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, मनी बिल को रिपील करना हो, अमेंडमेंट करना हो, उसके बारे में इसके पास पावर है। रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी को लेकर के लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बहुत ही प्यारा सवाल है, कौन सी शक्तियों के लिए ये लोकसभा राज्यसभा से अतिरिक्त रूप से आगे निकली हुई है। बहुत ही प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए इस सवाल का, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। बहुत ही शानदार सवाल ये बात, और उस शानदार सवाल के परखच्चे उड़ा दिए मेरे साथियों ने, बहुत ही बढ़िया से आपने अटेम्प्ट भी कर दिया उस सवाल को, शाबाश। तो रही बात इस चीज की कि यदि अब हमसे पूछा जाए कि क्या डिफरेंट था, क्या था, तो मैं आपको बता दूं साथियों, मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होता है, उसमें करेक्शन जो होता है वो भी लोकसभा में ही होता है, क्योंकि राज्यसभा उसको लेकर कुछ नहीं कर सकती। और तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। और अंत में मैं अगर आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, तो जो पब्लिक सर्विस क्रिएशन है, यूपीएससी जैसी, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसी क्रिएशन की बात की जाए, तो मेरे प्यारे साथियों उन सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन होती है, तो आंसर है राज्यसभा जिम्मेदार होती है। क्लियर है? चलिए साथियों, तो मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता दी, 117 के तहत ये सारी बातें की गई हैं। क्लियर? तो आप इधर देखिएगा, मनी बिल के बारे में बता दी, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे और भी कोई सवाल आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लेते चलेंगे।
बेटा फाइनेंस बिल 117 एबी के तहत आता है, 110 के तहत मनी बिल आ रहा है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड, कंसोलिडेटेड यानी कि भारत की जो संचित निधि है वो किन चीजों से मिलकर के बनी होती है? एक्साइज टैक्स से और इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से, फ्रॉम द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम ऑल लोन्स और फ्रॉम ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार सवाल है, केवल वही लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे जिन्हें शब्दों का मीनिंग ना पता हो, बाकी तो सब लोग इसकी धज्जियां उड़ा ही देंगे। हम ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे उन्हें हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जल्दी से आंसर करिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप लोग जो जानते हैं वो कमेंट में इसका आर्टिकल भी बताएं, कौन से आर्टिकल के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल नरेंद्र, आपका सबसे पहले आंसर आया, फिर अभिषेक का आया, बिल्कुल राइट आंसर 266, क्लियर बेटा, शाबाश। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन बार में जानकारी सब्सक्रिप्शन के बारे में सोहिब चौहान, बेटा लास्ट में दे देंगे जानकारी सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्लास के बीच में नहीं, है ना। जो भी जानकारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है मैं अंत के 5 से 7 मिनट सब्सक्रिप्शन के बारे में ही जानकारी देता हूं, जब क्लास ओवर हो जाए तब जानकारी ले लीजिएगा। सुनिए साथियों, मेरे प्यारे साथियों, एक्साइज और इनकम टैक्स, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क उत्पादन पर लगने वाला शुल्क, और आजकल तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों भाई, क्यों चर्चा में है? आपको मालूम है ना, पेट्रोल का महंगा होना और डीजल का महंगा होना, इसमें साहब ये सबसे ज्यादा रोल निभा रहा है, केंद्र के कोटे में सीधा सीधा जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल ही यही निभा रहा है, तो आजकल सबसे ज्यादा चर्चे में ये है। नो डाउट कि ये चीजें जो हैं वो केंद्र के खाते में जाती हैं। अच्छा, इनकम टैक्स आप लोग जो कमाते हैं उस पर जो देते हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हो गया, एक प्रकार से समझिए इनकम टैक्स आप और हम जब पैसे कमाते हैं उस पर जो टैक्स दे रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि यहां पर जो भी मतलब कंपनियां हैं वो कंपनियां अपनी तरफ से जो टैक्स है वो चुकाएंगी, वो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आती है, ठीक है ना। हाँ भाई गोलू विश्वकर्मा, बेटा लास्ट में पूछ लीजिएगा प्लीज, लास्ट में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बातें सारी लास्ट में। अनुप्रिया लास्ट में बात करना बेटा, ठीक है। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं अमित मीना, सब्सक्रिप्शन के नाम से आपको गूज़बम्प्स आते होंगे सर जी। बेटा मेरा तो पूरे टाइम अकाउंट है ना वो टन 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 बजता रहता है, क्या करूंगा इतने गूज़बम्प्स का, मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो लोड मत लो मेरे गूज़बम्प्स की, भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ है यार, है ना। जब मैं खुद इतना कुछ कर रहा होता हूँ तो चीजें अपने आप बहुत अच्छी हो रही होती है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्त, है ना। मैं फ्री में भी इतना कुछ दे रहा होता हूँ, उसके अलावा भी मैं पेड़ में अलग दे रहा होता हूँ, तो चीजें अपने आप चल रही होती है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, है ना। हाँ जी, बहुत कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब है, लोड मत लो। चलो तो हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट का मीनिंग क्या है। अब इधर देखिए, यहां पर रेवेन्यू रिसीप्ट जो है इसे आप समझने के लिए पॉइंट को समझें, जो भी चीज रिकरिंग इन नेचर होती हो, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज रिकरिंग इन नेचर होती हो, इसका मीनिंग समझिए क्या है, जो रिकरिंग। अब आप में से कई साथी पूछेंगे सर ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बेटा रिकरिंग का मतलब होता है जो रेगुलर नियम के साथ होती हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, नहीं नहीं स्मॉल स्मॉल नहीं बेटा, रिकरिंग का मतलब हो गया कि आज 7 दिन के बाद में ये वाला टैक्स आपको वापस मिलने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको मैंने ये कहा कि आपके मकान का किराया आप मकान मालिक को एक बार देते हैं या हर बार देते हैं, आप कहेंगे सर हर बार देते हैं, लेकिन वो हर बार क्या है, हर बार का मतलब है हर महीने देते हैं, हर महीने देते हैं सर। अच्छा फिर एक महीना पूरा होते फिर आप दे देते हैं, जी हाँ मंथली देते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है सर, मंथ तो आपने डिसाइड किया हुआ है, मैं अगर डिसाइड करता तो मैं हर 7 दिन में मांगता कि 7 दिन में दे दो, है कि नहीं। तो जिसकी पुनरावृत्ति होती हो दैट इज रिकरिंग, जिसका आना श्योर होता हो दैट इज रिकरिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, जो चीज रिकरिंग होती हो वो सारी चीजें रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आती है, सरल भाषा में ऐसे समझिएगा। अब मान लीजिएगा कि सरकार ने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, उठाया और अपने तरफ से मतलब सरकारी संपत्तियां बेच दी, वो रिकरिंग नहीं है, वो रिकरिंग नहीं है, वो फंड इंक्रीज जरूर कर रही है बट रिकरिंग जो है। अरे भैया ये मुन्ना त्रिपाठी फोन नंबर बेटा यहां शेयर ना करो यार, ठीक है। ये कौन बच्चा है, मुन्ना सहानी, मुन्ना भाई यहां फोन नंबर साझा मत करो यार, है ना, ये सेफ नहीं है, आपके लिए भी सेफ नहीं है, हमारे लिए भी सेफ नहीं है, है ना। और आपको जानकारी चाहिए यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन की, मैंने टेलीग्राम यहाँ पे पिन कर दिया है, अगर आप इतने ही उत्साहित हुए जा रहे हैं टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी टीम का कॉन्टेक्ट है, आप उससे कॉन्टेक्ट करिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन
प्लीज आप सबसे निवेदन है, आप में से कोई भी कहीं भी अपना फोन नंबर साझा ना करें, है ना, मतलब इतना सेफ नहीं है ये चीज, प्लीज मैं आप सबसे अपना पर्सनल होकर के इस बात का निवेदन कर रहा हूं, ऐसा ना करें। हाँ जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद द्वारा प्रदान किया गया अनुदान जो कि नियमित बजट पारित होने तक चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि की प्राकलित वैसे संबंधित हो, बोले सर तो हिंदी जो है कुछ ज्यादा ही टफ है। हाँ जी, इधर देखिए, ग्रांट प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट रिलेटेड टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर टिल द रेगुलर बजट इज पास्ड। भी एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको यह कहूं कि रेगुलर बजट का सेशन चल रहा है इस समय, है ना, बजट के अंदर बजट के ऊपर भाषण हुआ, भाषण के दौरान मेरे प्यारे साथियों अब आपको 1 मार्च से पैसा चाहिए, 1 मार्च से मतलब फाइनेंशियल वीक जो है वो 1 अप्रैल से आपका शुरू हो गया, माफी चाहेंगे 1 अप्रैल से 30 मार्च के लिए अगर मैं कहूं तो, लेकिन बजट पास होते होते मान लीजिए 1 मई आ गया, तो भाई बजट को आपने जब से प्रदर्शित किया 1 फरवरी से लेकर के इस 1 मई के बीच में सरकार कैसे चलेगी, लोगों की तनख्वाहें कैसे जाएंगी, लोगों की तनख्वाहें कैसे जाएंगी, तो तनख्वाहें जाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा, तो मेरे प्यारे साथियों वो पैसा कहां से आएगा यही सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए। ये भी सही है। हाँ जी, क्यूट एंजल दिव्या लिख रही है, सर मेरी मम्मी अरु परु से मिलवाइए जल्दी, मम्मी कह रही है लड़का बहुत क्यूट है, चाय पे बुलाइए। बहुत सही है, मम्मी जी को हमारी तरफ से प्रणाम करिए और उन्हें जो है इंटरनेशनल महिला दिवस विश करिए, ठीक है। चलिए, तो भैया यहां पर बात समझ में आ गई, तो ये आपने क्या कहा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में जो बजट का टेन्योर बच गया, ठीक है, उसे साथियों क्या नाम दिया गया, उम्मीद है आपको वोट ऑन अकाउंट सही से समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा, हौदियों ने अटैक कर दिया है, मुझे न्यूज मिल गई है। अरे हाँ, अब मैं वही सोच रहा हूँ उसको करूं या नहीं करूं, क्योंकि कल अगर अपडेटेड में लाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा। एनीवे, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, निम्न में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताइएगा। ये सवाल क्या है, असल में ये सारी की सारी कमेटियां ही स्टैंडिंग सब कमेटियां हैं जो लिखी गई हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये तीनों की तीनों कमेटियां जाए, अभी नन ऑफ दी अबव लिख करके दिक्कत हो जाती है, ये ऑप्शन नहीं है ये, मतलब इस तरह से समझिएगा, ये सारी की सारी परमानेंट ही है साथियों, स्टैंडिंग ही है और फाइनेंशियल ही है, थोड़ा सा ऑप्शन इसके अंदर मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। चलिए, हाँ 2 घंटे के लिए आप सो के आ गए कि हुदियों ने अटैक कर दिया, चलेंगे। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, बताइए राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार से सुनाया जाता है। रितु बेटा अभी आएगा इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आएगा, ये असल में क्या है, इससे ऑप्शन सही से मैच नहीं है, इसमें नन ऑप्शन है वो तो क्लियर है, लेकिन ऑप्शन जो है वो सही से सेट नहीं किए गए हैं, ठीक है ना, मतलब स्टैंडिंग कमेटियां ही हैं ये, जो भी तीनों कमेटियां आपने देखी थी ये स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटियां ही थी, स्थायी समिति थी, अंत में क्या लिख दिया नन ऑफ दी अबव, तो ये अपने आप में गलत हो गया ना, मीनिंग गलत निकल गया, तो डी ऑप्शन होना चाहिए था कि वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता, कि भाई मतलब नन करके लिख दिया जाता, वो सेंट बैठ नहीं रहा है, या फिर चौथे में कोई और ऑप्शन दे दिया जाता ताकि उस ऑप्शन को चूज कर लिया जाता है ना, जैसे कि कोई भी किसी मुद्दे को लेकर के बैठाई गई कमेटी होती उसका नाम लिख दिया जाता, तो वो एक प्रकार का अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सही से डिजाइन नहीं है उसका, ठीक है। हाँ जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के सदस्यों को चुना कैसे जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट काउंसिल के द्वारा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी और मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत के द्वारा, और स्टेट लेजिस्लेचर एंड काउंसिल के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में आपको तनिक भर भी समय लगेगा, जल्दी से सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा।
क्लियर बेटा, काउंसिल्स वोटिंग नहीं करती है ना, मतलब इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा, काउंसिल वोटिंग नहीं करती है इसके अंदर, है ना, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखिए, केवल विधानसभाएं वोट देती हैं, क्लियर, यहां पर विधान परिषद वोट नहीं देती है। आपको मालूम होगा ना, जैसे मान लीजिएगा हमारे राजस्थान के अंदर, थोड़ा ध्यान से समझिए, हमारे राजस्थान के अंदर मान लीजिए 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो 200 विधानसभा सीटों में से 10 राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाएगा, ठीक है, तो 10 राज्यसभा के सीटों को अगर चुना जाएगा तो 20 सदस्यों से एक सदस्य का निर्वाचन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा गया। चुनने की प्रक्रिया जो अपनाई गई वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई, तो 10 सांसदों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा के द्वारा किया गया। इसका अर्थ अगर मैं ये कहूं कि काउंसिल भी अगर चुनाव में पार्टिसिपेट करती तो भारत में तो केवल 6 ही राज्य हैं जहां पर काउंसिल है, तो जब 6 ही राज्य में काउंसिल है तो फिर उन्हीं के द्वारा चुनना चाहिए था, लेकिन हर राज्य चुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में। और दूसरी बड़ी बात, काउंसिल के तो खुद मेंबर बेचारे जो हैं वो इसी प्रकार से निर्वाचित होकर आते हैं अधिकांश, तो ऐसी स्थिति में वो किसी और का निर्वाचन क्या करेंगे, उस तरह से आप इसे याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, विद रेफरेंस टू द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग। ये कौन सी कमेटी होती है? बाक, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, और इसके बारे में आप पहले आंसर दे दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। ये एडहॉक कमेटी है, यानी कि जरूरत पड़ गई तो बना दिया। इट डिफर इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी हर हाउस में अलग अलग है। द स्पीकर ऑफ द हाउस इज इट्स एक्स ऑफिशियो स्पीकर या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, पकड़िए इसका, है ना। कार्य मंत्रणा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए साथियों। मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और प्यारा क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये क्वेश्चन पढ़ा तो बहुत बार होगा, समझा नहीं होगा, मैं क्लियर करूंगा इसे। अब जैसे इसी के बारे में हम लेके चलेंगे, चर्चा करते हैं। सुनिए साथियों, 1 2 3 लगाने वाले जो लोग हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ करना हो या ना करना हो फटाक से 1 2 3 लगाइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। सुनिए साथियों, मैं आपको कुछ बातें यहां पर बेसिक बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। पहली बात, एडहॉक, एडहॉक का मतलब टेम्परेरी नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है तो कैसी है, ये परमानेंट है। परमानेंट को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि स्टैंडिंग में फाइनेंस कमेटी जो है उनके अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कोपू यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बताई, है ना। इसी प्रकार से दो और बताई थी ना, एस्टिमेट कमेटी बताई, इससे पहले एक और बताई थी जिसका नाम पीएसी था। तो तीन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो फाइनेंस कमेटी थी, यानी ऐसी कमेटी जो जब तक संसद होगा तब तक होगी, दैट इज नॉन एज परमानेंट कमेटी। तो पहली बात, ये एडहॉक कमेटी नहीं है, पहले तो इसे हटाया। दूसरी बात, ये दोनों हाउसेस में होती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों हाउसेस में होगी, लोकसभा में भी होती है राज्यसभा में भी होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ना साथियों, वो ये है कि जो भी लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का जो चेयरमैन है, अगर ये कमेटी बनती है तो स्पीकर और चेयरमैन क्रमशः अपने यहां बनी हुई कमेटियों के, अपनी अपनी कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने, मैंने कहा लोकसभा के अंदर आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना दी, क्लियर है। ये करती क्या होगी ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए, यदि ये कमेटी एग्जिस्ट करती है, अब ये कमेटी एग्जिस्ट कर रही है तो जो स्पीकर महोदय हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पीएसी के बारे में बात की, जी हाँ बिल्कुल, 15 सदस्य, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैंने बात करी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर विपक्ष का जो नेता होता है वो सामान्यतया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी कर लो, कभी भी बना लो, कितनी भी बार बना लो, जो स्पीकर है हाउस का वही इसका प्रेसिडेंट होगा। पहला तो ये पॉइंट समझ लेता। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए वो क्या है, ये करती क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं ये करती क्या, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या इस प्रेसिडेंट, रखो सारी शब्दों से हटाओ, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होगा ये, अध्यक्ष होगा। फिर सवाल पूछा गया करती क्या है ये, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोकसभा को कैसे चलाना है या राज्यसभा को कैसे चलाना है, इसका निर्धारण बिजनेस अकाउंट कमेटी करती, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है, लोक मंत्रणा समिति जो निर्धारित करती है कि डे टू डे बिजनेस क्या होगा, डेली एक्टिविटीज क्या होंगी, क्लियर है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों,
वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी टू ईयर, यहां से हर मतलब हर दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर कर जाते हैं। दूसरा क्या है, हाफ ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी टू ईयर। तीसरा, हाफ ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी थ्री ईयर। वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर टेक लीव एवरी थ्री ईयर। तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। इसमें और तरीके और ऑप्शंस दिए जा सकते थे, है ना, तो इसमें 90% लोग सही कर देंगे, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। 5% से कैलकुलेशन में फेल मार गया मैं। मंगल, जिन्हें मंगल ने भी कुछ बातें लिखी हैं, अब कहां गया भैया, मंगल समझ नहीं आया भाई तुमने क्या लिखा है। गोविंद लिख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। भैया जो हमारी टीम को आप मैसेज करते हो वो दिन भर में 600 मैसेज आते हैं यार गुरु, कैसे मतलब पर्सनली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना। हाँ रेणु भाई, रेणु बेटा मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए एक वीकेंड में आपको टारगेट कर दिया जाएगा। सर लक्ष्मीकांत पढ़ी बहुत बार है लेकिन पढ़ने का सही तरीका अब आया है भारत, चलो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू भाई, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैंने सारे शेड्यूल्स याद करवाए हुए हैं, क्लियर। आपसे पूछा जा रहा है चौथे शेड्यूल के अंदर, चौथी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहां पर है, इट लिस्ट्स डिटेल ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। पहली बात तो यह है कि यहां पर राज्यों और क्या बोलते हैं केंद्र के जो पावर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। यहां पर लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ट्राइबल एरिया के बारे में बात की गई है, और यह राज्यसभा की सीट के बारे में। अगेन अब मैं थोड़ा सा मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक होकर ले रहा हूं, 80% जो है ना वो सही आंसर कर देंगे, मैं ये लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया है यार ये 80% लोग। दिनेश थैंक यू सो मच बेटा, कल क्लास कितने बजे होगी बेटा, इसी समय होगी, क्लियर। तो बेटा हाई हील तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा तुमने किस नाम से मैसेज किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा की स्ट्रक्चर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बात करें, संरचना के बारे में, कि संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत ये बात लिखी गई है। दूसरा, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, वर्तमान में यहां पर 545 सदस्य हैं, कौन सा कथन यहां पर सही है, ये सवाल पूछा गया है। असल में क्या है, चलिए कुछ लोग अगर दूसरा भी करेंगे तो मैं उसको भी सही मानूंगा। हाँ जी, अब आप में से भर भर के मैसेज आने वाले हैं, सर रॉन्ग है, सर रॉन्ग है ना। हाँ हाँ तल सही है ना, नहीं मेरे प्यारे साथियों अभी जो है ना, मैंने इसीलिए मुझे मालूम था, असल में क्या हुआ है साथियों कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, अब ये 543 रह गया है, ठीक है ना, दो एंग्लो इंडियन जो है उनका पद समाप्त कर दिया गया है। अभी क्या हो रहा है कि मुझे एक मतलब कंफर्मेशन चाहिए इसके बारे में, अभी नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब समझ में आएगा कि ये जो दो सीटें कम हुई हैं ये एसटी को दिए जाने का प्रावधान है। मतलब ऐसा सुनने में आया है कि ये जो है ये एसटी को दिए जाने का प्रावधान है, क्लियर है। तो अधिकतम संख्या जो है वो 552 रिटेन कर जाएगी, तो ये रिसेंट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मतलब असल में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अरे भैया 552 टोटल संख्या मेंटेन करने का है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई जगह तो मिल रही है यहां पर आपको, ध्यान से सुन लीजिए, 552 जो है वो कुल संख्या है, डन। अच्छा इसके बाद 545 ये आप पढ़ते आए हैं, क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दो की संख्या कम कर दी गई है, 543 हो गई ओरिजिनल संख्या, डन।
अब 543 से करना है एग्जाम में, लेकिन अभी क्या है अपडेट ये है कि इसमें दो जो सीटें हैं वो एसटी को दिए जाने का प्रावधान है। अगर ये दो सीटें एसटी को दी गई तो नंबर 545 ही रहने वाला है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने पास में इस पूरे क्वेश्चन से जो मेजर टेक अवे रखें वो क्या रखें कि सर अगर ऐसा है तो हम ये याद रख लें क्या कि दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप ये आंसर याद कर लीजिएगा कि इनकी संख्या खत्म हो गई है, बाकी जैसे ही लोकसभा चुनावों का नोटिफिकेशन आएगा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप इजाजत दें तो ये चीज याद रख लें, है ना। अरे भाई तो दो सीटें जब एसटी को दे दी जाएंगी तो 552 ही हो जाएंगे ना मालिक, मैं ये कह रहा हूं, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, हमारा इवन हमारे एक्सप्लेनेशन में भी 545 ही बताया हुआ है, ये पुराना एक्सप्लेनेशन है, क्लियर। जो आने वाला जो नया अपडेटेड है उसमें 543 होगा, क्लियर बेटा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मैं आपको अभी एकदम करंट वाली चीज बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज और आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि है जिसमें आपने रेगुलर बेसिस पे इनकम टैक्स चुकाया, आपने ब्याज चुकाया, आपने एक्साइज चुकाया, वो सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली आपने, उसे खर्च कहां करोगे। तो भारत की संचित निधि से खर्चे कौन से किए जाते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, खर्च कहां करोगे। ऑप्शन है यहां पर राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके संबंधित जो खर्चे हैं ये संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, उपलब्धियां नहीं है असल में, ये मतलब लब्धियां हैं, खर्चे हैं ये असल में। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कोई जगह विशेष रूप से जाना है, उस पर जो खर्च होगा वो खर्चा किसके ऊपर भारित होगा, वो कौन से अकाउंट से कटेगा, राष्ट्रपति की तनखा से कटेगा या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कटेगा। दूसरा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते वो इसी से कटेंगे, और साथ में जो भी लोन है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे हमने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया हुआ है, अब बुलेट ट्रेन के लिए लोन है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो चुकाना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी चीजें जो हैं ये इस अकाउंट से पेबल होंगी, क्लियर। इस अकाउंट से कौन कौन सी चीजें पेबल होंगी, बिल्कुल सही, क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों ये सारी चीजें राष्ट्रपति से संबंधित हो या सभापति से संबंधित हो, ये सारी की सारी इसी से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है बेटा। यहां पर हमने सारी की सारी बातें लिख दी हैं, ये 266 से संबंधित है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हो, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सबकी तनख्वाह इसी पे भारित होती है, क्लियर है। इसी के अलावा जो डेट का भार है वो भी इसी के ऊपर जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जो अन्य प्रकार के भार हैं वो अक्यूमुलेटेड फंड पर ही यानी कि इस संचित निधि पर ही भारित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल्स को मैच करने के लिए, और वो क्या है ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये थोड़ा सा अगेन इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा दिक्कत करेगा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। संसद का गठन कौन से आर्टिकल में निहित है, नंबर एक। राज्यसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में निहित है, लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में, और अभी मैंने लोकसभा वाला तो पढ़ाया ही है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। लोकसभा वाला आर्टिकल तो जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया ही था, मैं थोड़ी सी अगर आपकी मदद कर भी दूं तो आपका सवाल जो है वो सीधा बनता हुआ दिख रहा है। अब वो क्या है कि अगेन मुझे दुख होता है कई बार ऐसे प्रश्नों के ऊपर, सवाल अच्छा बनाते बनाते भी बुरा बना दिया जाता है तो दुख होता है। आपको भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, आंसर दे रहा हूं। बस इतना मेहनत से बनाया हुआ सवाल इन्होंने खराब कर दिया यार। हमारी टीम को बताना पड़ेगा कि तुम यार यहां तक बनाने के बाद आगे भी सोच लिया करो है ना, दिल टूट गया यार, ये तरीका है।
मैं असल में मैंने पहले क्या सोचा, एक आर्टिकल बता देता हूं, फिर मैंने खुद ने ऑप्शंस देखे, मैंने कहा धत यार, एक आर्टिकल बताते पूरा सवाल बिगड़ रहा है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला बताने वाला था, मैं कहा चलो इनकी थोड़ी सी मदद यहाँ वाली कर देते हैं। फिर मैंने ये ऑप्शन खोजा, मैंने ये ऑप्शन खोजा, मैं भाई आप तो अकेले ही हो। फिर मैं खुद दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, मैंने कहा यार हद ही हो गई है, मतलब ये तो बिल्कुल ही हद हो गई है। ठीक है, मतलब थोड़ा तो मेहनत कर लिया होता है यार। मतलब सच बताऊं, मैंने पहले ये सोचा कि अभी प्रीवियस वाले सवाल में लोकसभा का आया था, मगर वो ले लेते हैं, मैंने कहा चलो इनको थोड़ी हिंट हो जाएगी। फिर मैंने कहा हिंट दे देता हूं, फिर मैंने खुद ने देखा, मगर हिंट से एक दो ऑप्शन और हो, पता चला इकलौता है, इकलौते में भी 1, 2 और 4 लिखा, मैंने कहा दत्त है यार, फुल हो गया है। ठीक है, फिर भी याद करिए, संसद का गठन जो है ये आर्टिकल 79 में 80 नंबर पर अनुच्छेद राज्यसभा के बारे में बात करता है, और लोकसभा के अंदर 81 के अंदर बात की गई है, और सत्र 1785 के अंदर बात किया गया है। ठीक है, चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। ये सवाल बहुत ही अल्टीमेट है कि लेजिस्लेचर जो है वो ना केवल कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, बट वो गवर्न्ड भी होता है कि जो इसको बोला जाएगा वैसा वो करता भी। बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सवाल तो अच्छा है ही, ये समझ वाला सवाल है, मतलब मैं इसे एक अच्छा सवाल कहूंगा। हाँ भाई, शालू लिख रही है आपसे दिन भर जुड़े रहते हैं, सपने में भी आपकी क्लास करते हैं। हाँ भैया, दिन भर क्लास वाकई में काफी ज्यादा हो जा रही है, हम समझ सकते हैं। सवाल बहुत प्यारा है, अगर आप कहें तो बिना एक्सप्लेनेशन के मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं करने के लिए, फिर आप देख लीजिएगा, फिर एक्सप्लेन कर देंगे दोनों। एक चीज कैसे हुई, हाँ जी, अब इधर सुनिएगा। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। पॉइंट ये है, अगर ये कह सकते हो तो ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना वो सेकंड वाले पॉइंट की व्याख्या कर रहा है। मतलब क्या है, यहां पर ये हो रहा है कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है, को ना केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित होती भी है। दोनों पॉइंट एक दूसरे को सही से समझा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग चीजें हैं। दोनों का मीनिंग समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत अच्छी समझ वाला सवाल है। हालांकि इस सवाल को थोड़ी देर तक सोचोगे तो फिर लगेगा कि पहला और दूसरा पॉइंट सेम ही तो लिखा है ना। हाँ रमीला, बिल्कुल बिल्कुल है ना, सेम ही तो लिखा है अगर ज्यादा अच्छे से सोच लोगे तो। एनीवे तो लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस पॉइंट को। एग्जीक्यूटिव क्या है, लेट से मंत्री महोदय जो है वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, मान लीजिए मंत्री जी बैठे हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव मान के लीजिए, रियलिटी में भी यही है। अच्छा, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव के बाद में बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की, और लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव बैठे हुए हैं साहब जी, जितने भी सांसद बैठे हुए हैं संसद के अंदर वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ इट, देन द आंसर इज यस। क्यों भाई, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती तो लोकसभा और राज्यसभा से ही है ना। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, तो भी ये बात सही है। लेकिन क्या संसद को करना होगा, वो गवर्न भी यही कर रही है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जिसकी सत्ता है उसी की तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसकी मेजोरिटी है उसी का तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। वो जैसा चाहेगा तभी तो संसद को बुलाएगा, वो जब चाहेगा तभी तो सत्र को रखवाएगा, वो जब चाहेगा तभी तो राष्ट्रपति से मतलब भाषण दिलवाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर सिम्बायोटिकली डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये है तो ये है और ये है तो ये है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑल ऑफ, अब ये अंग्रेजी में क्या है कि फिर गूगल अंग्रेजी है ट्रांसलेटेड, लोकसभा में जो में सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं। नहीं करेंगे इस सवाल को हम, अगेन ये डिस्प्यूटेड सवाल है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अधिकतम की संख्या को लेकर के भी, ठीक है। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी, यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। कौन, संसद के बारे में बात की जा रही है, जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका केंद्र यही है। दूसरा, वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना,
True democracy cannot be imagined without an efficient and effective legislature with genuine representation. इसका मीनिंग क्या है? अब ये थोड़ा सा विचारात्मक प्रश्न ज्यादा हो गया, विशेष रूप से जो पॉलिटी के बच्चे ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए ये सवाल ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ हम फिर भी इसके साथ बहस तो करेंगे ही। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कि गलत कौन सा है। एक बार आप ट्राई ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इस प्रश्न के डिटेल में लेकर के चलूंगा। हाँ मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको पहले पोल दे रहा हूं, आप पहले पोल का आंसर करिए, फिर मैं आपको इस प्रश्न के डिटेल में लेकर चलूंगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, दैट मींस वो पहले से ही सर्टेन थे इस सवाल को लेकर के, ये अच्छी बात है। 45% बच्चों को ये सवाल समझ में आ चुका था। सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है कौन? संसद। इस बात को तो लेके कोई भी डाउट नहीं था। दूसरा, वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑब्वियस सी बात है ना, हम लोगों ने डेमोक्रेसी चुनी ही क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां होता है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर काहे की डेमोक्रेसी, है ना? तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि रिप्रेजेंटेशन यहां मिला हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो संसद है ये 3 लोगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, नंबर एक। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही बनाते हैं। राष्ट्रपति, दोनों सदन, अब आप खुद ही समझदार हो जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लीजिए पोल एक्टिवेट कर रहा हूं। जिन्होंने अभी भी सी कर दिया है आंसर, वो जल्दबाजी में या तो गलती कर गए या फिर उनको सी लिखने की आदत हो गई है कि 1 और 2 तो करना ही होता है। भाई साहब दोनों सदन थोड़ी निर्वाचित कर रहे हैं यार, इसके अलावा विधानसभाएं भी कर रही है मालिक है। हाँ लेकिन यहां पर जो लिखा है निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचक के माध्यम से, अब मैं एक बात बता देता हूं, ये वाला पॉइंट हाफ करेक्ट है। आपको पता है आप में से कई सारे जो लोग जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख रहे हैं ना, वो गलत लिख रहे हैं। क्यों? हमारे लिए ये इनडायरेक्ट है, हमारे लिए ये इनडायरेक्ट है, लेकिन संसद के प्रतिनिधियों के लिए तो डायरेक्ट है ना भाई, वो तो खुद ही चुन रहे हैं। यहां क्या लिखा है? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया। बिल्कुल, आप और हमने भी राष्ट्रपति चुना है। एक मिनट रुकिए, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो मैं समझा दूं थोड़ा सा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आप और हमने भी मिलकर किया है, लेकिन हमने अपने प्रतिनिधियों को पहले भेजा आगे, उन प्रतिनिधियों ने इनका निर्वाचन किया। दैट मींस हमारे द्वारा तो ये इनडायरेक्टली निर्वाचित है। अरे भाई हमारा देश रिपब्लिक है ही इसलिए क्योंकि हम बोलते हैं कि देश के सर्वोच्च पद के ऊपर निर्वाचित व्यक्ति बैठा है, तो इनडायरेक्टली बाय पीपल एंड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। बट अच्छे प्रश्न में गुस्ताखी क्या हो गई यहां पर, सदनों के साथ में इन्होंने गलती कर दी कि निर्वाचित सदस्यों में दोनों सदन ही लिख दिए। क्लियर है? उम्मीद है यहां पर थोड़ा सा गलती इन्हों के द्वारा हुई है जो आपको समझ में आ गई होगी। संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, संसद में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदन के सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब कुछ भी कहिए आपको, मतलब क्या नहीं किया जा सकता? किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्त नहीं किया जा सकता। इनके हनन की स्थिति में सदन के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। यदि आपने कोई ऐसी बात कही तो अब सदन का जो अध्यक्ष है वो निर्णय लेगा कि हाँ भाई इन्हें पनिशमेंट देना है अथवा नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। असल में पता है आपको, इसी कारण से हम लोग जब आपको कहते हैं ना एब्सोल्यूट राइट जो है, प्रिविलेजेस जो है वो एब्सोल्यूट है, उसमें मैंने आपको एक बार के लिए बताया था ओनली लिखा हुआ था, एक प्रश्न था पुराना निकल गया होगा। एनीवे हाँ जी, इधर सुनिए मेरे प्यारे साथियों,
सर पढ़ने में मजा आता है आपसे पढ़कर, कुछ हमें भी बताएं प्लीज। तो क्या बताएं भैया दिनेश, पढ़ने में मजा आ रहा है तो क्या बताएं, पढ़ा तो रहे, पढ़ो ना आराम से। सुनिए अब सवाल सुनते हैं साथियों। सबसे पहली बात तो यह है कि सदन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि मान लीजिएगा कोई भी सांसद कुछ भी बोल गया, अब आपको लगा कि इन्होंने जो बात कही ये देश के विरोध में है, आपने उनके खिलाफ शिकायत करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कर सकते। ये उनको दिया हुआ, सदन के सदस्यों को दिया हुआ क्या है, एक विशेष अधिकार है, इसे आप प्रिविलेज कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपने कोई बात ऐसी बोल दी लेकिन वो बात सदन के अध्यक्ष को पसंद नहीं आई, तो सदन का अध्यक्ष हो सकता है आपको सस्पेंड कर दे। सदन का अध्यक्ष तो आपके खिलाफ टिप्पणी यानी कि निर्णय ले सकता है, कोई कोर्ट आपके खिलाफ निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए कह रहा हूं मेहनत कर रहे हो, थोड़ा और ज्यादा कर लो तो सांसद बन जाओगे, ठीक है, थोड़ा और मेहनत कर लेना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संसद, अरे भैया जिनके भी सवाल हैं सबका इलाज करेंगे, रुक जाओ अभी दो सवाल और कर लो। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? हाँ भाई, कौन सा आर्टिकल है जो संयुक्त सत्र के लिए बात करता है, कौन सा आर्टिकल है भारत की संसद में? आर्टिकल 108, समन टू टेजा, बहुत बढ़िया बेटा। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करना हो तो क्या दोनों की ज्वाइंट बैठक हो सकती है? नंबर एक। उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करना हो तो क्या बैठक हो सकती है? नंबर दो। संविधान संशोधन विधेयक को बिल पर वोटिंग करना हो तो हो सकती है क्या? या तीसरा, उस विधेयक पर विचार करना हो, उसे पारित करना हो जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, कौन सा कथन सही है? बहुत ही प्यारा सवाल, वन गो में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल कर ही दिया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों, द करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, केवल साधारण बिलों पर जब आम सहमति ना बने तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों जॉइंट सेशन का प्रावधान है। सदन में प्रश्नकाल के पश्चात जो प्रश्न मौखिक रूप से पूछा जाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर के अंदर प्रश्नकाल के पश्चात कोई प्रश्न अगर आपने और पूछ लिया, सर ये तो समझ में आ गया थोड़ा और बता दो, वो क्या है, वो कौन सा प्रश्न होता है? सर हाँ मैं समझ तो गया, आपका आंसर तो समझ गया, थोड़ा और रह गया, बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न था ये। और जिन्हें आंसर पता चला फिर उनको तो और मजा आ गया होगा। समझ में आ गया क्या? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए ये तो तीनों प्रश्नकाल के ही सवाल हैं, आपको इसके बाद भी अगर पूछना रह गया, सर एक मिनट, जैसे मैंने कहा, आपने पूछा कि सर चेरापूंजी में मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? मैंने कहा इसलिए होती है। फिर आप कहेंगे सर ऐसी सिचुएशन तो वहां पर भी होती है, फिर वहां क्यों नहीं होती? तो आपने मेरे सवाल पर जो सवाल बनाया दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्लियर। तो उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछने के लिए मेरे प्यारे साथी, क्लियर है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष बताए, राष्ट्रपति निर्देशित करे, संसद निश्चय करे और वित्त मंत्री निर्देशित करे। एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट, भाई साहब शब्द भारी है लेकिन बहुत आसान आंसर है, आपसे पूछा जा रहा है बजट का दिन, वो बजट का दिन कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्री तो बेटा प्रेजेंट करती है, महामहिम, महामहिम भीष्म राष्ट्रपति निर्देशित करते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत बार इसको क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर टू है इसको बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, मैं आपके सामने दे देता हूं। अच्छा ये हिंट हो गया था क्या?
सॉरी यार, मैं इसको मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, आप तो हिंट ही ले लिए इसको यार। हाँ भाई, तो राहुल सोलंकी जो है वो टॉपर रहे हैं, तेजस्विनी पुनी, पूरम, सूरज, घनश्याम, सार्थक, शमन, बुलबुल, महेश और जयेश परमार, ये हमारे परफॉर्मर रहे हैं। 15 क्वेश्चन जिस भी बच्चे के सही हैं वो सारे के सारे बच्चे शाबाशी वाले पात्र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई, अब बोलिए साथियों, किस किस को क्या पूछना है। बहुत सारे साहब चीजें लिख लिख करके भेज रहे थे। सर प्लीज सुन लो, सर 11th को MPPSC का एग्जाम है, प्लीज महाराष्ट्र को का मैपिंग कर दीजिए 11th से पहले। 11th कब है MP? 11th से पहले, 11th को हाँ भैया करा देंगे, एक मिनट रुको, महाराष्ट्र पहले करवाएं क्या? 9, 10, ठीक है एक काम करें 10 को महाराष्ट्र करवा देते हैं, हम बोल देते हैं टीम को। ठीक है बेटा, हो जाएगा, 10 को महाराष्ट्र है, MPPSC का एग्जाम है तो हो जाएगा, बहुत अच्छे से खत्म भी करवा देंगे। ठीक है, और बताइए, हम बोल ही देते हैं। सर नेक्स्ट जो है ना वो महाराष्ट्र का ले लीजिएगा, है ना, परसों जो है वो महाराष्ट्र का मैप करवाएंगे अपन बच्चों को। ठीक है, ठीक है, और बताइए। निशा बेटा, उसकी हमने स्पेशल क्लासेस लगाई थी, जब क्लासेस बच गई थी तो उसके लिए अलग से लगाई थी। अच्छा, शिल्पी वर्मा लिख रही हैं कि प्रिपरेशन से बहुत हेल्प मिलती है, एक बार एक नंबर से रह गई थी आप, इस बार हो जाएगा बेटा, चिंता मत करिए, एक नंबर वालों का तो काम हो जाएगा। दिनेश सैनी, कैसे पढ़ाई, लिख करके कर लो भैया। हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन वाले जान लो यार, एक तो सब है कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये तमाम चीजें तो मिलती ही हैं। हमारी क्लास जितना चाहो देख लोगे, हमारे अलावा जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास भी आपको मिलती है UPSC कैटेगरी के अंदर। डन, इसके अलावा आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी मिल जाएंगी। और क्या फायदे होते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सारा GS का पेपर, एथिक्स, एसे राइटिंग, साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक की सारी क्लासेस आपको मात्र और मात्र 1 साल की फीस 44,550 रुपए में मिल जाती है। ओरिजिनली तो फीस 49,000 है, अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर आपको 44,000 में ये प्राप्त हो जाती है। बात की जाए वही आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में हमारी जो फीस है वो है 74,000 एक महीने की, लेकिन वो 67,000 में आपको पड़ता है आफ्टर यूजिंग अंकित टैंक। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है सर, यहां पर आपको एक गाइड मिलता है जो आपके प्रॉपर, अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका आंसर चेक करता है, साथ में आपका पूरा टाइम टेबल बनाता है, पूरा शेड्यूलिंग प्रदान करता है, तो वो तमाम चीजें हो जाती हैं। प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत सारे बैचेस अभी शुरू हुए हैं, कल से मेरा एक बैच खुद का शुरू हो रहा है। यदि आप ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ करना चाहते हैं तो हमारा जो प्लस का कोर्स है जो कि 44,000 का है प्लस ऑप्शनल, ये दोनों मिलकर के आपको 70,103 रुपए में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर रेफरल कोड लगाते हैं तो अगेन 10% का डिस्काउंट, तो आपको ये 63,000 के आसपास में पड़ जाएगा दोनों मिलकर के, है ना, ऑप्शनल प्लस UPSC। और ऑप्शनल में तमाम प्रकार के ऑप्शनल हैं हमारे पास, उम्मीद है हो गया होगा ये काम भी। और भी कोई दिक्कत हो आपको, ये टेलीग्राम लिंक हमने दिया हुआ है, इसकी डिटेल में चले जाइएगा, तमाम आपकी मदद के लिए जो भी जानकारियां हैं वहां पर उपस्थित हो जाएंगी आपको। और बताएं कल क्या पढ़ाएंगे, तो कल जो है उसका अनाउंसमेंट हम मॉर्निंग में कर देंगे, एक बार मॉर्निंग वाली क्लास में हम डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, और सब बढ़िया, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।